स्वागत है आपका मधुरा फूड चैनल पे। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलो तो हम शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं बनाना पेनकेक। यह सामग्री का लिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके लिए हमें पका हुआ केला चाहिए। बहुत पक जाता है तो घर पे कोई नहीं खाता है। ये पेनकेक बनाओ तो सब आसानी से खा लेंगे। उसको ऐसे कट कर लेंगे और ये फोक से मैश कर लेंगे, नहीं तो फिर आप मिक्सचर जार में भी पीस ले तो भी चलता है, लेकिन पका हुआ है तो इजीली वो मैश हो जाएगा। ऐसे मैश कर लेंगे। इसमें एक चम्मच गुड़ डालेंगे या तो फिर शक्कर भी डाल सकते हो। आटा डालेंगे एक कप। एक कप आटा के सामने एक कप दूध लेंगे। एक चम्मच तेल ऑयल मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें दूध डालते जाएंगे। लम्स ना रहे ऐसे मिक्स कर लेंगे। ऐसे फेंट लेंगे। ये थोड़ा गाढ़ा है, उसमें थोड़ा पानी डाल के लूज करेंगे। ये हो गया इतना। अभी एक तवे पे घी लगाएंगे या तो फिर बटर भी लगा सकते हो। इसकी जगह पे आप फ्राई पैन भी यूज कर सकते हो। अभी इसमें जो बैटर तैयार किया है वो डालेंगे। चम्मच से ही फैला लेंगे। अभी ऊपर का सूख जाए उसके बाद हम उसको पलटा लेंगे। धीमी आंच पे पकाएंगे। अब वापस उसको पलटा लेंगे। ये हमारे हो गए पेनकेक तैयार। उसको मध से गार्निशिंग करेंगे हनी। ये हो गया हमारा पेनकेक। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। बच्चों से लेके बूढ़े तक सबको पसंद आने वाली ये रेसिपी है। थैंक यू।